भगवान कृष्ण कहते हैं, जहाँ भगत मेरे पग धरें वहाँ धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। तो सदैव भगवान का स्मरण करते रहेंगे आप, एक बार उनकी उंगली थामेंगे वे कभी साथ नहीं छोड़ते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। तो हमारी माधव जी के, अपनी माधव जी के दर्शन कीजिए प्यारे से माधव जी। और हमेशा मैं इनका यही शुक्रिया करती हूँ कि आप सब लोगों से, इतने प्यारे सदस्यों से मुझे मिलाया है इन्होंने। इतने दिनों मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, लेकिन आप लोगों का सदा साथ बना रहा, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपनी माधव जी के स्नान के साथ साथ आज का वीडियो, आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो उनका स्नान का पात्र मैं तैयार कर लेती हूँ। आइए माधव जी, माधव जी विराजमान हो गए। अब माधव जी का स्नान कराऊंगी, फिर आगे की चर्चा प्रारंभ करती हूँ। ये मैंने दूध और जल भी ले लिया है, आज मैं उन्हें दूध से अभिषेक कर रही हूँ उनका। तो दही से नहीं कर सकते, तो दूध से कर रही हूँ। सर्दियाँ भी कम हो गई हैं, तो लेकिन फिर भी अभी थोड़े गुनगुने पानी से ही इनका स्नान कराएं। और अब तो बहुत से लोग होली की भी तैयारी शुरू कर देंगे, तो चलिए माधव जी का स्नान भी संपूर्ण हो गया। अब माधव जी को अब मैं अच्छे से पोज दूंगी। आइए, तो अब माधव जी का श्रृंगार करते रहेंगे और साथ ही साथ चर्चा भी कर लेते हैं। एक छोटी सी चर्चा है लेकिन प्यारी है, और मुझे लगता है सभी के मन में ऐसे एक सवाल ज़रूर होंगे, क्योंकि हम सभी कृष्णा से प्रेम करते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनके चरणों में सदैव रहना चाहते हैं। तो एक सवाल ऐसा कि एक कृष्ण भक्त का सबसे बड़ा डर क्या है? आप जानते हैं इस बात को? आप एक बार अपने मन से ज़रूर पूछ के देखिए कि वो कौन सा डर है जो एक कृष्ण भक्त, कृष्ण प्रेमी के मन में होता है। सबसे बड़ा डर आप जानते हैं कौन सा होता है? हमारे सभी के मन में सबसे बड़ा ये डर होता है कि हमारे कान्हा, हमारे गोपाल जी कहीं हमसे रूठ ना जाएं। इसलिए हम सभी लोग हर कार्य करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के करते हैं, हजार बार हजार लोगों से पूछ के करते हैं कि कहीं हमारी किसी छोटी सी गलती से हमारे कृष्णा हमसे नाराज़ ना हो जाएं। ये डर सदैव मन में बनता रहता है, जैसे कभी सुलाना भूल गए, ये तो लगता है कि कहीं नाराज़ तो नहीं हो गए, चंदन का तिलक लगाना भूल गए, या वैजयंती माला हमारे पास नहीं है तो हम उन्हें नहीं पहना पा रहे, तो भी लगता है कि हमारे कृष्णा के पास वैजयंती माला हम नहीं पहना पा रहे हैं तो कहीं इस बात से वे नाराज़ तो नहीं। जैसे कभी भोग में तुलसी दल रखना भूल जाते हैं तो मन में एक डर आ जाता है कि आज पता नहीं मेरे कान्हा ने भोग ग्रहण किया कि नहीं किया, मैं तुलसी दल तो रखना भूल ही गई, ओ ये तो अब उन्होंने कुछ भोग ही नहीं ग्रहण किया होगा। या जो भी तुलसी माला धारण करते हैं, कभी किसी कारणवश उनकी तुलसी माला टूट गई तो उनके मन में एक दोष आ जाता है
कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैं तुलसी माला मेरी टूट गई, तुलसी माला टूटना तो बहुत गलत हो गया, कहीं हमारे कान्हा हमारे कृष्णा हमसे नाराज़ तो नहीं हो गए। इस तरह के डर, इस तरह के सवाल इतने मन में आते हैं, हर बात पे आते हैं, क्योंकि वो इसलिए ना, हम लोग अपने कान्हा से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम सभी के मन में ऐसे सवाल आते रहते हैं। इन सवालों का जवाब तो बस ये है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वे कभी हमसे नाराज हो ही नहीं सकते, और हमेशा स्नेह और प्रेम वही सफल होता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। आप अपनी कान्हा की सेवा करते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के कीजिए, बस मन में एक भाव रखिए कि हमारे कान्हा हमसे रूठ नहीं सकते, वो हमसे रूठेंगे नहीं, वो हमसे प्रेम करते हैं। माधव जी ने पोशाक धारण कर ली है। अब एक बात सदैव हम सभी के मन में रहनी चाहिए कि ये देखिए, ये सेवा ना भाव प्रधान सेवा है, तो जैसे भाव होंगे, जितने आपके भावों में प्रेम होगा, स्नेह होगा आपके अपने लल्ला के लिए, लल्ला आपकी सेवा उसी प्रकार स्वीकार करेंगे। तो हम सभी को अपने विचारों पे, अपने भावों पे कार्य करना है, जिससे हमारे प्रभु हमारे लल्ला हम सभी की सेवा को स्वीकार करते रहें। कभी आप ये मान लीजिए, जैसे हमने कभी भोग लगाया और किसी कारणवश तुलसी दल नहीं है, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मेरे पास तुलसी दल नहीं है, या ऐसी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप अपने लल्ला को भोग नहीं लगाएंगे? आप ही सोचें, अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो आप भोग ग्रहण कर पाएंगे? उस वक्त तो आँखों में आंसू आ जाएंगे कि मेरे लल्ला आज तुलसी दल नहीं है, आज मैं हाथ जोड़ के बस यही विनती करती हूँ, मेरे लल्ला आज अपनी मैया के हाथों से भोग ग्रहण कर लो, और विश्वास मानिए कि आपके लल्ला आपकी ज़रूर बात सुनेंगे और वो भोग भी ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो भाव इतने शुद्ध होंगे ना, वो आँखों से छलकते आंसू इतने शुद्ध होंगे कि आपके प्रभु स्वयं आके भोग ग्रहण करेंगे, और इस बात का एहसास ज़रूर होता है, इस बात को वही अच्छे से समझ सकते हैं ना, जिन्होंने कभी अपने कान्हा के प्रेम में आंसू बहाए हैं, जो अपने कान्हा से बहुत स्नेह करते हैं, वही समझ सकते हैं। और आज मैं अपने माधव जी को मुकुट ना पहना के पगड़ी बांधूंगी। पगड़ी बांधने से ये है कि थोड़ी ठंड है तो कैप भी नहीं लगानी पड़ती है, और पगड़ी से ठंड भी नहीं लगेगी, और बहुत प्यारी लगती है पगड़ी इनके ऊपर। तो चलिए, पगड़ी भी बन रही है। और दूसरा एक सवाल ये है कि जैसे कान्हा जी हैं, जिन जिन के घर में हैं, उन सभी के घर में, हर किसी के घर में एक चीज़ उपलब्ध नहीं होती कि मंदिर का स्थान एकदम अलग हो जाए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं हो पाता ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो शयन कक्ष होता है उसी में एक छोटा सा मंदिर हम लोग रख लेते हैं। क्यों? मंदिर के लिए जगह ही नहीं होती। आजकल फ्लैट्स में लोग रहते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, या जॉइंट फैमिली है तो साथ में सभी लोग रह रहे हैं, तो कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही। किसी ने अपनी टेबल पर ही अपने मंदिर को स्थापित किया है, किसी ने छोटा मंदिर अपने शयन कक्ष में ही रखा है। तो अब एक दुविधा मन में आती है कि जिस कमरे में हम सोते हैं उसी कमरे में मंदिर है। पहली बात तो मंदिर उस कमरे में होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और मंदिर हमारे उसी कमरे में है, तो अब कैसे क्या करें? तो अगर आपके सोने के कमरे में मंदिर है तो आप उस मंदिर में पर्दा कर दें। अगर मंदिर में दरवाजे हैं तो आप दरवाज़ों को बंद कर दिया करें, और नहीं तो आप उसमें पर्दा कर दिया करें। उससे क्या होता है, जैसे एक बड़े से हॉल में बीच में अगर पार्टीशन कर दिया जाए तो वो दो हो जाते हैं ना रहने के स्थान, उसी प्रकार जब आप कमरे के मंदिर में पर्दा कर देते हैं तो वो एक कमरे से दो कमरे हो जाते हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे। एक साधु संत जी के पास उनका एक शिष्य जाता है और वो अपने गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, हमारे शयन कक्ष में ही मंदिर स्थापित है, और मैं और मेरी पत्नी एक छोटे से कमरे में रहते हैं, बड़ा घर भी नहीं है,
और कैसे रहें, ना तो मतलब कोई दिनचर्या मेरी हो सकती है, और क्योंकि मंदिर है उसी में, तो समझ ही नहीं आता कि उस कमरे में किस प्रकार हमें रहना चाहिए। तो गुरु जी ने उनसे कहा कि देखो शिष्य, पहली बात तो ये है कि आप जिस कमरे में मंदिर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, वो आपने मंदिर स्थापित नहीं किया है उस कमरे में, बल्कि आप अपने प्रभु के कमरे में रह रहे हैं, आप उनके किराएदार हैं। आपने अपने कमरे में मंदिर उनका नहीं रखा, आपने उनके कमरे में स्थान लिया है, आप रह रहे हैं उस कमरे में, इसलिए इस मर्यादा को हमेशा बना के रखिएगा। और अपने मंदिर में एक पर्दा ज़रूर कर दें, और जब भी अपने प्रभु के पास सुबह उनकी पूजा, शाम की पूजा, जो भी आप करने के लिए उनके पास बैठते हैं, तो बस सदैव अपने प्रभु से एक बात कहते रहें कि देखो प्रभु, मैंने जो व्यवस्था आपके लिए की है, मैं बस इसी के लायक हूँ, मैं इतनी ही व्यवस्था आपके लिए कर सकता था, जितना कर पाया उतना कर दिया, अब आगे आपको अगर इच्छा है तो आप स्वयं उसका इंतज़ाम करें, आप स्वयं ही उसकी व्यवस्था करें। मेरी माता जी का भी भोग आ गया है, तो बस इसी प्रकार गुरु ने अपने शिष्य को जो शिक्षा दी, शिष्य ने भी वो शिक्षा ग्रहण करी और अपने घर चला गया। वो रोज़ अपने प्रभु के पास जाता और उनकी सेवा करता, उनकी पूजा करता, और बस उनसे ये कहता कि देखो प्रभु, बस इतना ही मैं करने लायक था, तो मैंने आपके लिए किया, अब बाकी इच्छा आपकी, आपको अगर बड़े घर में रहना है तो बड़े का इंतज़ाम करो, अलग रहना है तो अलग इंतज़ाम करो, मैं जिस लायक था मैंने आपकी सेवा में वो चीज़ उपलब्ध कर दी, मेरी भूल को क्षमा करो। वो रोज़ इसी प्रकार अपनी इच्छा को अपने प्रभु के सामने रखता रहा। रखते रखते ऐसे थोड़ा सा समय बीत गया और वो शिष्य अपने गुरु के पास इस बीच फिर पहुँच गया। तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि बोलो शिष्य, कैसा लग रहा है? तो उनके शिष्य ने एक बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गुरु जी, मैं कुछ नहीं जानता, घर बड़ा हो पाएगा कि नहीं, अलग कभी व्यवस्था मैं उनकी कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये बात कहने में इतना आनंद मिलता है ना, कि जिसके विषय में मैं आपसे कुछ शब्द कह ही नहीं सकता। मैं रोज़ जाता हूँ, अपने प्रभु से कहता हूँ, मेरे मन को संतुष्टि मिल गई है इस बात को कहते कहते। तो धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वो आ गया कि उसका बड़ा घर हो गया, और जिस दिन अपने बड़े घर में उसने प्रस्थान किया, तो सबसे पहला कमरा अपने प्रभु के लिए उसने दिया कि प्रभु, ये व्यवस्था भी आपकी है, सब कुछ आपका है, तो ये कमरा भी आपका है। देखिए, कोई भी, जितना भी हम सभी लोग अपने लल्ला के लिए कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन सदैव एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मेरी माधव जी का भी श्रृंगार दर्शन करें, भोग दर्शन करें, और बस राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।